हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम केयर। आज मैं इस प्लांट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि जिसका नाम है गिलोई, और इसको इंग्लिश में हार्ट लीव मून सीड भी बोलते हैं और गुडुचे भी बोलते हैं। तो इसका अलग अलग जगह अलग अलग तरह से नाम है, और बहुत ही इजी टू ग्रो है फ्रेंड्स। ये देखिए मेरा जो प्लांट है, ये बेल होती है एक तरह की। तो मेरी जो ये वाइन है, देखिए देखिए पीछे से इसके पत्ते ऐसे होते हैं, और एकदम हार्ट शेप्ड लीव होती है इसकी, बहुत ही प्यारी लगती है। बहुत कलरफुल तो नहीं होती, लेकिन एक बहुत ज़्यादा ग्रीन, डार्क ग्रीन टच होता है इसमें। जब एकदम इनिशियल स्टेज में निकलती है पत्ती, तो बहुत एक तरह का लाइट काइंड ऑफ ग्रीन कलर होता है, और फिर जैसे जैसे पत्ती एज्ड होती जाती है, तो जैसे इसकी पत्ती की जो उम्र होती है वो बढ़ती चली जाती है, उस हिसाब से पत्ती का कलर डार्क होता चला जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरी बेल है, ये मैंने कटिंग से लगाई थी। तो बरसात में इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं, अगर आप इसको ग्रो करना चाहते हैं तो आप इसकी कटिंग किसी भी इसे थोड़ी सी कटिंग लेके 12 इंच की या 6 इंच की कटिंग भी आप लगा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो कटिंग आप लें उसमें आई होनी चाहिए, जिससे कि उसमें जो है साइड से कटिंग में स्प्राउट निकलें, पत्ते निकलें। तो ये ध्यान रखना है। और इसका फ्रेंड्स काफ़ी मेडिसिनल यूज़ भी है, एक आयुर्वेदिक मेडिसन्स में भी इसको यूज़ करते हैं। तो एक मेडिसिनल हर्ब की तरह भी है ये। तो आपने देखा होगा काफ़ी चीज़ों में बोलते हैं इसका जो है एक्सट्रैक्ट निकाल के, इसका जूस निकाल के पीने को भी बोलते हैं। काफ़ी सारी बीमारियों में जो है इसका यूज़ होता है। ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए भी इसके एक्सट्रैक्ट का यूज़ होता है। तो ये एक मेडिसिनल टाइप वाइन भी है, बहुत यूज़ है इसका, गिलोई के रस का। तो आप लोग इसको लगा सकते हैं अपने घर में, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो फॉलिएज ब्यूटी है इसमें, तो इसके पत्ते इतने सुंदर लगते हैं कि मन करता है कि इसको अपने घर में हमें ज़रूर रखना चाहिए। और आप लोग भी लगाना चाह रहे हैं इसको इस वक्त, तो आप लोग भी लगा सकते हैं। बरसात का मौसम चल रहा है, अभी अगस्त चल रहा है, तो आप लोग भी इसकी कटिंग लाइए, लगाइए और देखिए रिज़ल्ट, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। मैंने भी काफ़ी सारी कटिंग्स लगाई थी, तो मेरी मोस्ट ऑफ दी कटिंग्स बहुत सक्सेसफुली ग्रो हुई हैं। तो आप भी लगा सकते हैं, और देखिए पत्ते कितने प्यारे लगते हैं इसके देखने में। देखिए इस तरह के पत्ते होते हैं, ये इस तरह के इसके पत्ते होते हैं, और बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। तो अगर आप विश करते हैं लगाने के लिए, तो बेस्ट टाइम है, इसको लगाइए। देखिए मैंने इसको काफ़ी सारे प्लांट्स के साथ लगाया हुआ है, तो एक बकेट है मेरी, उसमें लगाया हुआ है। वैसे तो इसको काफ़ी सारी स्पेस की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आपके पास एक ज़मीन टाइप कोई गार्डन नहीं है, तो आप इसको बकेट में भी उगा सकते हैं। बाय बकेट मेरा मतलब है बिग कंटेनर में, तो इसको बिग कंटेनर में लगाया जा सकता है। तो मैंने पहले तो कभी इसको लगाया नहीं है, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसको लेके। तो मैं देखता हूँ कि ये बकेट में कितनी ग्रो हो जाती है या कितनी हेल्दी हो सकती है। तो अभी तक तो देखिए अच्छी तरह चल रही है बकेट के अंदर। बकेट का जो हाइट है फ्रेंड्स इसकी, बकेट की अराउंड 16 इंच है। देखिए ये जो मैंने लगाई हुई है कटिंग्स, आप देख सकते हैं। तो मैंने दो कटिंग्स इधर की तरफ लगाई थी, तो काफ़ी जगह लगाई थी। तो देखिए मेरी जो है इनमें से दोनों में से सिर्फ एक हुई है, तो दूसरी कटिंग मेरी ग्रो नहीं हो पाई। देखिए ये वाली हुई है, और जो ये कटिंग है ये ग्रो नहीं हो पाई। तो आप भी मैक्सिमम कटिंग लगाइए, जिससे कि आपको एटलीस्ट कोई कटिंग तो ऐसी मिले जो ग्रो हो जाए, तो आप डिसहार्टेड नहीं होंगे।